हेलो बच्चों, वेलकमिंग चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम दी चैप्टर। सॉल्यूशन चल रहा है, सीरीज हमारी चल रही है, 200 डेज चैलेंज सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन 200 दिन के अंदर अंदर हमें कंप्लीट करनी है। तो पहला पांच क्वेश्चन हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन है, हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 mSCl आर रिक्वायर्ड। कितना 0.SCl है रिक्वायर्ड है हमें, और कितना 0.1 m, और इसका वॉल्यूम हमें पता नहीं कि वो कितना लगेगा। रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली, जो कम्प्लीट रिएक्ट करे विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाई कार्बोनेट NaSCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। तो क्या कह रहे हैं कि भैया NaHCO3 के भी मोल कितने हैं, बराबर हैं, इज इक्वल टू किसके, Na2CO3 के मोल। ये दोनों के मोल तो बराबर हैं, इक्विमोलर मिक्सचर दिया हुआ है। तो इन वैन विद 1 ग्राम मिक्सचर, तो अब इन दोनों का मिक्सचर जो दिया हुआ है वो इक्विमोलर है, मतलब दोनों के मोल क्या हैं, बराबर हैं, और HCl से कंप्लीट रिएक्ट हो जाएं, यानी कि HCl सोडियम कार्बोनेट से भी रिएक्ट करेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट से भी करेगा और कंप्लीट ख़त्म हो जाए, तो कितना वॉल्यूम हमें लगेगा। तो देख लो जरा सबसे पहले क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये चीज़ है, हमें बैलेंस इक्वेशन बनानी है, बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। तो बैलेंस रिएक्शन क्या है, जरा बैलेंस देख लो। तो Na2CO3 प्लस HCl यही तो है, तो क्या बन जाएगा, 2NaCl प्लस ये 2Na, ये 2 कर दो, 2NaCl प्लस H2CO3, मतलब कि H2O प्लस CO2, यही तो है रिएक्शन। देखो रिएक्शन दी हुई भी होगी इसमें, देख लेते हैं एक बार। तो रिएक्शन देख लो जरा, Na2CO3 प्लस 2HCl, तो क्या बन गया, 2NaCl बन रहा है, H2 बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो HCl NaSCO3 NaCl बन रहा है, H2 बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो अब जरा यहाँ से नज़र देख लो, तो 2HCl यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने मोल HCl के काम कर रहे हैं, 2 मोल, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ HCl के कितने काम कर रहे हैं, 1 मोल, है ना। इनको जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें यही निकालना है कि HCl के हम क्या कर लेते हैं, कि हम पहले एक्चुअल मोल निकाल लेते हैं, मतलब कि आप बैलेंस इक्वेशन से ये समझ जाओगे कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 2 मोल HCl से, और 1 मोल सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है किससे, 1 मोल ही HCl से। तो हम जरा मोल निकाल लेते हैं, कितने मोल, सबके मोल निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो अब देखो जरा क्या क्या दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन देख ली है आपको, यही तो रिएक्शन देखनी है, Na2CO3 प्लस 2HCl, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, उसी तरह एक मिनट, NaHCO3 है प्लस क्या है, HCl है, तो क्या बन गया ये NaCl, तो ये बन गया NaCl। तो यहाँ 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं किसके, 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के, 1 मोल HCl रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के। यहाँ HCl के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, कितने, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट्स के, ये तो समझ में आ गया। तो अब जरा देख लो जरा, तो लेट द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर एक्स ग्राम। तो हमने कह दिया कि भैया इक्विमोलर मिक्सचर है, तो दोनों के मोल हम बराबर कर लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, समझ में आया। तो हमने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट के मिक्सचर में एक्स ग्राम है, तो अगर मिक्सचर x ग्राम है सोडियम बाइकार्बोनेट के, तो सोडियम कार्बोनेट के, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने हो जाएंगे, 1 माइनस x ग्राम, कॉमन सी बात है ना। तो सोडियम कार्बोनेट के क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास हो जाएगा, जो भी निकल के आएगा चेक कर लेना, 106 ग्राम पर मोल। तो उसी तरह मोल निकाल लो जरा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट x/106 मोल। उसी तरह मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना निकाला, 84 ग्राम पर मोल। तो उसी तरह हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो 1 माइनस x/84 मोल। तो अब इन दोनों को जरा इक्वल रख दो, भाई ये बोला था ना इक्विमोलर मिक्सचर है ना, तो क्वेश्चन कह रहा था इक्विमोलर मिक्सचर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा था इक्विमोलर मिक्सचर है किसके, सोडियम कार्बोनेट के और सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो हमने दोनों के मोल को, तो मोल्स ऑफ Na2CO3 और इक्वल कर दिया मोल्स ऑफ NaSCO3, है ना, दोनों को इक्वल कर दिया। तो ये देख लो जरा, x/106, 1 माइनस x/84, तो x आ गया 0.5579। तो फिर क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट
निकल गए, कितना आ गए 0.5579 अपॉन 106। इसका मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास कितना है 106। तो ये हो गया 0.5579 अपॉन 106। तो कितने आ गए सोडियम कार्बोनेट के मोल, तो मोल आ गए 0.0053 मोल। इतने ही मोल कितने हैं, किसके हैं, NaSCO3 के, कितने हैं 0.0053 मोल। तो दोनों इक्विमोलर का मिक्सचर का मतलब है दोनों के मोल हमने बराबर कर दिए, ठीक है। तो जब बराबर कर दिया तो एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट देखो 0.053 इन्होंने दिखाई दिया, ठीक। अब देख लो जरा, अब दोनों के मोल हमें पता चल गए कितने हैं, 0. यहाँ पर लिख लेते हैं 0.0053 मोल। अब सिंपल सी बात है, वो रिएक्शन देख लो, 0.0053। तो HCl रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, अब जरा इनकी शक्ल देख लो, सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट कर रहा है कितने मोल से, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट कर रहा है 2 मोल HCl से, और 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट कर रहा है 1 मोल HCl से। तो आप यहाँ से किसके इनके मोल निकल जाएंगे, तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl से। तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का मतलब अब हमारे पास हैं कितने, जो दिया हुआ था 0.0053 मोल सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे 2 × सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये डबल से रिएक्ट करेगा ना, तो डबल कर दो जरा 2.2 × 0.0053। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसके लिए चाहिए HCl के ये वाले मोल, HCl के इतने मोल चाहिए रिएक्ट विद 0.0106 मोल। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए तो 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से एक ही मोल से रिएक्ट कर रहा है, और हमारे पास हैं कितने, हमारे पास है 0.0053 मोल, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं। तो HCl भी कितने चाहिए, 0.0053 मोल। अब HCl यहाँ तो चाहिए इतने मोल 0.01, और यहाँ पर चाहिए 0.0053। तो दोनों को टोटल मोल मिला देंगे, टोटल मोल HCl के रिक्वायर्ड कितने हो गए, 0.0159 मोल। समझ में आया। तो अब हमारे पास क्या क्या है HCl का, तो मोल क्या है जरा बता दो, जरा मोल हमारे पास HCl के कितने हैं, 0.0159 मोल, ठीक है। और हमारे पास मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी कितनी है 0.1 मोलर। तो अब जरा एक फॉर्मूला आता है, मैंने बताया होगा फॉर्मूला, बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा। मोलरिटी क्या होती है, मोल पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम निकल जाएगा इधर, वॉल्यूम भाग जाएगा। तो मोल देखो 0.1 मोल ऑफ HCl किस में है, इन 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें अब लीटर में देखना है, तो अब वॉल्यूम जरा निकाल लो, वॉल्यूम कैसे निकलेगा देख लो जरा एक बार। ये क्या है, मोल है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलरिटी, अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलरिटी, ठीक है। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, अपॉन में मोलरिटी, इनटू हो जाएगा 1000, क्योंकि हमें किस में निकालना है, लीटर में। तो मोल कितना दिया हुआ था जरा, तो 1000 × 0.0159 अपॉन में 0.1। तो ये भैया कितने, 150 ml ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें HCl का, तो देख लो जरा, ओ सॉरी 159। तो हैंस 159 ml ऑफ 0.1 ml ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। 1 ग्राम जो मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के देखते हैं जरा क्या कह रहा था क्वेश्चन। तो देखो जरा, क्वेश्चन ये कह रहे थे कि कितने ml लगेंगे 0.1 ml HCl को, है ना, कितने ml लगेंगे, हमने ये ml में निकाला है, ये देखो कितने ml लगेंगे, ये 159 ml हमने निकाला हुआ है ना, वॉल्यूम को चेंज कर दिया, ये ध्यान कर लेना थोड़ा सा, है ना, वॉल्यूम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 ml HCl और रिक्वायर टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कभी जब भी कि कम्प्लीट रिएक्ट हो रहा है तो आप रिएक्शन को लिख के देखोगे, तो Na2CO3 लिखोगे प्लस 2HCl लिखोगे, मतलब बैलेंस इक्वेशन लिख लोगे, तो क्या बना रहा है ये 2NaCl। तो आप जरा ये देख लो कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, क्या 1 मोल Na2CO3 कितना रिक्वायर्ड है रिएक्ट करने के लिए, 2 मोल HCl। तो यहाँ तो डबल हो जाएंगे, है ना, अगर आपने इसके मोल निकाल लिए तो इसके डबल चाहिए। अब दूसरा क्या था, एक मिनट, दूसरा था NaHCO3, इसके HCl से रिएक्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, NaCl डायरेक्ट बन रहा है, तो 1 मोल ही चाहिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के जो मोल होंगे वही HCl के मोल होंगे। अब इन दोनों के मोल निकाल लो, मोल निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई थी भाई, जरा एक बार देख लो,
इन्फॉर्मेशन ये दी हुई थी कि दोनों के इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, मतलब दोनों के NaHCO3 के मोल आपको बराबर रखने हैं, किसके मोल, Na2CO3 के मोल। अब मोल के लिए एक चीज़ चाहिए, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, यही तो चाहिए। तो जब अब आप कहोगे सर हम मास कैसे रखें, अरे कुछ नहीं है, टोटल मास दिया हुआ है 1 ग्राम, तो अगर एक का ग्राम मान लिया हमने सोडियम कार्बोनेट का x ग्राम है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 - x मैथ का अकॉर्डिंग, और सिंपली आप इक्वेशन को इक्वल रखो और आपके x निकल जाएगा कितना आ रहा था, देखो एक मिनट, ये आ रहा था 84 ग्राम पर मोल, है ना, मोलर मास तो ये आ गया, ये कितना निकला था फिर 0.5579, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप मोल निकाल लोगे, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ठीक है। तो दोनों के मोल निकल जाएंगे, फिर कितने मोल, ये मोल आए हैं एक्चुअल, तो अब देख लेना कि सोडियम कार्बोनेट कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट जो है वो डबल मोल से कर रहा है, तो हमने ये डबल HCl के मोल काउंट कर लिए, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के जो मोल थे वो उतने ही मोल से कर रहा है, फिर उसे काउंट कर लिए, तो HCl के टोटल मोल आ गए। HCl के जब टोटल मोल आ गए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, क्या क्या दिया हुआ है HCl के बारे में, ये बता रहे हैं कि HCl के बारे में ये दिया हुआ है, हमारे पास मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है कितनी है 0.1 m, एक मिनट 0.1 m, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो होता है। तो आप फिर आपके अकॉर्डिंग सब पूरा प्रॉपर वॉल्यूम आ जाएगा, कितना वॉल्यूम चाहिए, है ना, फिर लीटर में या ml में जिस तरह दिया होगा वो आप निकाल सकते हो।